सीताराम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? कौन से दो गुणधर्म हैं? हर जगह कार्बन कार्बन दिखाई पड़ता है। क्यों? कार्बन की जो संयोजकता होती है वो चार होती है, और ये अपने परमाणु के साथ एकल द्वित्रिक सह संयोजक आबंधों के साथ जुड़े रहते हैं। पहली व्यवस्था होगी, दूसरी क्या होगी? एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। इससे कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत विस्तृत हो जाती है। एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को आक्सीकरण क्रिया क्यों कहेंगे? क्योंकि जब एथेनॉइक ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एथेनॉइक अम्ल बनता है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी होती है। जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वही क्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, पहली बात। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। इस मिश्रण को हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे अंतर करेंगे? जो सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे आप, दोनों में अंतर प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप सोडियम बाई कार्बोनेट को एल्कोहल के साथ डालेंगे तो कोई क्रिया नहीं करेगा, ना ही कोई गैस उत्पन्न होगा, तो आप समझ जाएंगे कि यह अल्कोहल है। और जब एथेनॉइक एसिड से अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 गैस उत्पन्न होगी, तो आप समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीकारक क्या है? वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं लेकिन खुद अपघटित ना हो, वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डिटर्जेंट का उपयोग कैसे करेंगे? कोई जल कठोर है या नहीं? कैसे पता लगाएंगे डिटर्जेंट का उपयोग करके कि जल कठोर है कि नहीं? डिटर्जेंट का उपयोग कर या नहीं बता सकते कि जल कठोर है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में झाग उत्पन्न करता है। समझ गए दोस्तों? अब तुम चक्कर मत पड़िएगा। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। समानतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि साबुन मैल के साथ क्या करके मिसेली संरचना तैयार करता है, और तेलीय मैल मिसल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है और कपड़ों से चिपक जाता है, अतः उसे साफ करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 सह संयोजक आबंध है। ब्यूटोन चतु कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रयोग कीटोन है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। बर्तन की तली अगर बाहर से काली हो रही है तो समझ जाइए ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। CH3Cl मेथिल क्लोराइड में आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ सह संयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। इसी का कार्बन क्लोरीन के साथ भी संबंध होता है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण से समझते हैं। कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजनों को एक प्रकार का प्रतीकात्मक वर्ग स्थापित करते समजातीय श्रेणी कहलाता है। मेथेन CH4, मेथेन C2H6, प्रोपीन C3H8, तो एल्किनों का समान सूत्र होगा CnH2n। तो ये सब इस प्रकार से भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और अम्ल में कैसे अंतर करेंगे? भौतिक गुणों के अनुसार कैसे करेंगे? एथेनॉल की गंध अभिलाक्षणिक अल्कोहल ही होती है, जबकि एथेनॉल अम्ल की गंध तीव्र होती है। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है, जबकि एथेनॉल अम्ल का 290। एथेनॉल का क्वथनांक 351 के होता है, जबकि एथेनॉल अम्ल का 391 के। रासायनिक गुण, एथेनॉल लिटमस पेपर के साथ क्रिया करने पर कोई रिएक्शन नहीं करता, जबकि एथेनॉइक एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। और क्या कहते हैं? जब एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से कोई क्रिया
नहीं करता, जबकि एथनॉइक एसिड सोडियम कार्बन शत्क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। जब साबुन को जल में डालते हैं तो मिश्रण का निर्माण क्यों होता है? क्या एथनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिश्रण का निर्माण होगा? बताइए। जैसे आप साबुन को जल में डालेंगे तो मिश्र मतलब झाग बनता है, क्योंकि साबुनों में दो होती, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ का, एक दूसरा सिरा होता है ऋणात्मक सिरा। जो पूंछ होती है वो जल विरोधी, जो सिर होता है वो जल अलागी होता है। जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करता है तो आवेशित भाग के कारण जल अलागी भाग आ जाता है और वे साबुन के अणुओं के चारों ओर से घेर कर गुच्छों का निर्माण करते हैं और झाग का निर्माण होता है। वही एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए साबुन के साथ झाग नहीं करता। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनका दहन का नियंत्रण करना बहुत सरल है, ज्वलन ताप भी समान है, इसलिए प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझिए। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ क्रिया करके अघुलनशील अणु बनाते हैं, इसी कारण सफेद अच्छे का निर्माण होता है। यदि आप लिटमस पेपर को लाल एवं नीले से साबुन की जांच करें तो क्या होगा? साबुन क्षारीय प्रकृति की होता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? असंतप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके संतप्त यौगिक बनाते हैं और यही प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसी प्रकार को तेल से घी बनाने का काम किया जाता है। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर का परीक्षण बताइए। मक्खन संतप्त एवं खाद्य तेल असंतप्त है। मक्खन संतप्त है, सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनमें ब्रोमीन जल कड़े सहायता से अंतर किया जा सकता है। मक्खन व तेल गर्म करें और इसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डाल दें। मक्खन में कार्बनिक यौगिक हैं, सिर्फ का तेल में डालने पर ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाएगा क्योंकि यह असंतप्त हाइड्रोकार्बन है। साबुन क्रिया समय यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का किस नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन में इसके पास होता है? हीलियम। भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में कार्बन मात्रा 0.002%। कार्बन का एक गुण बताइए जिसके कारण बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल बनाता है? संकलन। एस्टर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, इस अभिक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। मिसल के किस सिरे को आयनिक सिरा कहते हैं? जल रागी सिरा को। एल्केन में बनने वाले आबंध का नाम एकल आबंध। समान अल्कोहल को किस नाम से जानते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल की आपसी अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में करते हैं? एस्टर। मिशेल विलेन किस रूप में बने रहते हैं? कोलाइट के रूप में। और मिशेल विलेन में किस कारण अवक्षेपित नहीं होते? आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते। क्या कारण है कि साबुन का घोल बदल जैसा दिखता है? कि साबुन के मिसल प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है अपमाचक? ये लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड की श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इन लवणों का सिरा आवेशित होता है। एथनोइक एसिड कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से बने लवण को क्या कहते हैं? सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड के कितने प्रतिशत विलयन से सिरका बनता है? 3 से 5%। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 17 डिग्री। अल्कोहल ग्रुप के उस अल्कोहल का नाम बताइए जिसके सेवन से चाक्षुष तंत्रिका प्रभावित होती है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। मेथनॉल। विकृत अल्कोहल बनाने के लिए एथेनॉल में क्या मिला जाता है जिससे जहरीला हो जाता है? मेथनॉल। और यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर कौन सा पदार्थ बनाता है? मेथेनल। एक निर्जली कारक का नाम बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड। कितने केल्विन ताप पर एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है? 443 केल्विन। एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण क्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? निकल उत्प्रेरक या पैलेडियम। वनस्पति तेल संतप्त कार्बन है या असंतप्त? असंतप्त कार्बन है, लेकिन मक्खन संतप्त है।
कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। एक ऑक्सीकारक का उदाहरण बताइए, क्षारीय पोटेशियम पर मैंगनेट। मीथेन का क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं से बनने वाले उत्पाद का नाम क्लोरो मीथेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले एक प्रदूषक नाम दे सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हेलोजन समूहों के तत्वों की संयोजकता एक आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से पदार्थ के किन दो भौतिक गुणों में वृद्धि होती है, गलनांक एवं क्वथनांक में। याद रखिएगा कार्बन श्रृंखलाओं में समजातीय श्रेणियां किस तत्व को परिभाषित करती हैं, हाइड्रोजन। कार्बन श्रृंखला से जब एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो इस प्रकार बनने वाले यौगिकों की श्रृंखला को समजातीय श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोजन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। और कौन सा पदार्थ है जो क्रिया नहीं करता लेकिन अभिक्रिया को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक। दोस्तों आज ये केमिस्ट्री का टॉपिक था हमारे साथ, फिनिश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।